करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां नशे के कारोबार पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सख्ती दिखाई और इस सख्ती के बाद बाणगंगा पुलिस एक्शन मोड में है। क्षेत्र में नशे का कारोबार खत्म करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम विजयवर्गीय ने दिया था। मंच से ही मंत्री विजयवर्गीय ने जाहिर की थी नाराजगी, जिसके बाद अब पुलिस ने भी एक्शन ले लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय बीते दिन एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ महिलाओं ने उनसे शिकायत करते हुए कहा था कि बढ़ते नशे के कारोबार ने ऐसा माहौल बना दिया कि महिलाओं को घर से निकलने में भी डर लग रहा है। इसके तुरंत ही बाद कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए और चेतावनी भी दी कि आने वाले 3 दिनों में नशे के कारोबार पर लगाम लगाएं, वरना चौथे दिन अधिकारियों पर ही कार्रवाई हो जाएगी। सुनिए कि कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है। बीच में यहाँ पर नशे में कुछ कमी आई थी, वापस बढ़ गई है। मैं चौकी के अधिकारी खड़े हुए 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। 3 दिन में यहाँ पर जितने भी नशा बेचने वाले लोग हैं, नशा करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ चाहे वो कोई भी हो, कोई हमारा नाम से ही उपयोग दुरुपयोग करे तो चिंता मत करना, उठाकर उल्टा झटका देना उसको, कोई चिंता मत करना। लोग कई बार हमारे नाम का भी दुरुपयोग कर लेते हैं, हम आते हैं तो हमको एक मोटी माला पहना देते हैं और उसके बाद गलत धंधे करते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करना, जो गलत काम करेगा भारतीय जनता पार्टी उसके साथ नहीं है। इसके बाद अब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। बदमाशों और नशे के कारोबार करने वालों के ठिकाने पर दबिश दी जा रही है। 50 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की टीम बनाई गई। अब तक पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। भागीरथपुरा में पुलिस टीम ने दबिश दी। 8 टीमें बनाई है, एक एक उप निरीक्षक इसका प्रभारी है। इसमें हमने एक एक ऐसा आरक्षक किया है जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करे। हमने नशे के सर्चिंग के लिए डॉग स्क्वाड को भी बुलाया है और पूरे आज हम जो है विशेष अभियान चलाकर पूरे भागीरथपुरा क्षेत्र को खंगाल। महिलाओं की शिकायत और मंत्री जी के निर्देश के बाद पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन अब देखना होगा कि नशे के कारोबार पर कब पूरी तरह से रोक लग पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।